15 जनवरी को मकर संक्रांति, चार राशियां होंगी माला माल। दोस्तों 15 जनवरी मकर संक्रांति माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस बार मकर संक्रांति के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग। 12 राशियों में से चार राशियां होंगी माला माल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बन रहे धन लक्ष्मी योग प्राप्ति महालक्ष्मी योग से इन 12 राशियों में से चार राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी जी अब इन चार राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाली हैं। खुद धन की देवी माँ लक्ष्मी मकर संक्रांति के दिन इन चार राशि वालों के घर पधार रही हैं, जिससे इन चार राशि वालों के जीवन में आने वाली है अब माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे इन चार राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन धन से मालामाल होने वाली हैं, करोड़पति बनने वाली हैं? इन चार राशि वालों को करोड़पति बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण, पोंगल, खिचड़ी आदि। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को ही आती है, लेकिन इस वर्ष इसकी तारीख को लेकर लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है। कोई 14 जनवरी को तो कोई 15 जनवरी को मकर संक्रांति की तारीख बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी दिन शनिवार को सूर्यदेव रात्रि 8:14 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी वजह से लोगों में इसकी तारीख को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। दरअसल रात्रि पहर में स्नान दान धर्म के कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना सही नहीं है। इसलिए उदयतिथि के चलते अगले दिन यानी 15 जनवरी दिन रविवार को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। इस दौरान आप जप तप दान आदि कर सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, चावल का दान करें, खिचड़ी का दान करें, गुड़ तिल घी से बने लड्डू का दान करें, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार मकर संक्रांति पर कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, साथ ही महालक्ष्मी योग भी बन रहा है। इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही खास है। इस बार की मकर संक्रांति माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कुछ विशेष राशि वालों के लिए बहुत ही लकी रहने वाली है, बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाली है। इस बार की मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष राशियां धन से मालामाल बनने वाली हैं। अब इन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनके ऊपर माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार मकर संक्रांति पर कई दिव्य और दुर्लभ राजयोग और धनयोग का निर्माण एक साथ बन रहा है, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इन राशियों पर बने रहेगा। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है, आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मेष राशि का। मेष राशि के आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति के पर्व पर आप धन से मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, प्रवेश करते हैं मकर राशि में, इसलिए इस दिन कई दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग बनते हैं। तो मेष राशि के जातक को आपके लिए बहुत ही शुभ योग बन रहा है, बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। आपकी किस्मत अब चमक जाएगी, धन योग और लाभ योग बने रहेंगे। किस्मत चमकने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको दुगना धन लाभ हो सकता है। कार्यों में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएगी। इनकम आय में वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्य आसानी से पूरे होंगे। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। लगातार आमदनी बढ़ेगी। कार क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर अभी तक कोई कार नहीं बन पा रहे थे तो वो कार भी आसानी से बनते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण सफलता मिलने से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। बता दें कि अब आपकी किस्मत चमकेगी, सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। साथ ही भाग्य का साथ मिलेगा।
भाग्य प्रतिशत आपका जबरदस्त रहेगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। पेंडिंग काम आसानी से बन जाएंगे। प्रेम जीवन में खुशियां लव लाइफ अच्छी रहेगी। अधूरे कार्य पूरे होंगे। अगली यानी जो दूसरी जो राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि को अब आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लाभ होगा, अधूरे कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे। दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आएगा। कुछ अधूरे कार्य आसानी से पूरे होंगे। जो कार्य काफ़ी समय से पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं। लगातार आमदनी बढ़ेगी, यानी कि इसमें जो भी कार्य करेंगे सफलताएँ कदम चूमेगी, महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। दुगने धन लाभ के साथ साथ महत्वपूर्ण लाभ भी मिलेगा और इसमें आपकी आमदनी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होगी। इनकम आय में वृद्धि होगी, लगातार आय बढ़ सकती है। बता दें कि इसमें जो भी कार्य करेंगे सफलता कदम चूमेगी। आपके लिए मकर संक्रांति बहुत ही शुभ रहेगी। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा। शिक्षा में सुधार होगा। कंपटीशन में तैयारियों में अगर जुटे हुए हैं तो लाभ देखने को मिलेगा। संतान की चाहत पूरी होगी, संतान की मनोकामना पूरी होगी। पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण सफलता मिलने से धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कारोबार का विस्तार होगा। अधूरे कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। अब जो अगली तीसरी राशि है जो धन से मालामाल होने वाली है वो है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि को बता दें कि इस बार मकर संक्रांति आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा। व्यापार तेजी चलेगा। व्यापार में दुगने धन लाभ के साथ आप बढ़ोतरी करेंगे। अच्छे कार्यों में लाभ होगा। महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर कोई कार्य अधूरा था, पेंडिंग था, उसे पूरा कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि भागदौड़ बनी रहेगी। गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी करेंगे, इनकम आय में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती नजर आएगी। लगातार अगर कोई कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। नज़दीकी किसी रिश्तेदार का सहयोग प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। अगर कोई कार्य रुका हुआ था, पेंडिंग था, उसे पूरा कर सकते हैं। बता दें कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलताएं प्राप्त होंगी और इम्पोर्टेंट फैसले डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। अधूरे कार्य आसानी से पूरे करते नजर आएंगे। अब जो अगली चौथी राशि है जो धन से मालामाल बनने वाली है वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि अब आपकी किस्मत चमक जाएगी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से बहुत लाभ होगा। जबरदस्त धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। बता दें कि इसमें आपको यानी कि आपके घर में जो कोई अविवाहित जातक है उनके नए रिश्ते आएंगे। रिश्तों की बात चलेगी और शादी विवाह की चर्चाएँ होंगी। शुभ मंगलकार धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। शुभ मंगलकार होंगे। साथ ही साथ आपके घर में खुशियों का इसमें यानी कि खुशियों का दौरान देखने को मिलेगा। इसमें जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खत्म होंगी। अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत चमकेगी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इन चार राशियों का भाग्य उदय होगा। साथ ही धन संपत्ति में लाभ होगा। करोड़पति बनने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, जरूर करें और पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।